हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे जीप कंपास के शोरूम में हिसार के अंदर स्काईलाइन जीप के अंदर है ना सर। तो हमारे जो पीछे खड़ी है जीप की ब्लैक ब्यूटी खड़ी है जीप कंपास, और जानेंगे अमित भैया से इसकी पूरी डिटेल अपने शोरूम के बारे में, और हमारे पास आज कौन सी कार के बारे में आपको डिटेल देंगे। तो हेलो सर, अमित भैया और सर हम फाइन सर, आपके बारे में सर, शोरूम के बारे में बहुत बड़ा सुना सर, काफ़ी अच्छा ब्रांड है सर। तो सर जीप के बारे में सर कुछ बताया सर, कब से ये इस्टेब्लिश हुआ सर? जीप के 1941 से है सर, इसकी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज़ किया गया था, जो इसकी फर्स्ट गाड़ी आती थी दिल्ली जीप आती थी सर, उसकी ओरिजिनल जीप है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी इसको अलग किया। जीप की गाइडलाइन गो फॉर गो टू एनीवेयर, गो फॉर एनीथिंग। आप इसको जीप जो मिली थी उस टाइम में इतनी पॉपुलर मिली थी कि आप उसको किसी कंडीशन में कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं, कैसे कहीं बाई शिप कैसे भी आप इसको ले जा सकते हैं। इसी तरह आप जीप भी इंडिया में जो आई है 2016 में इंडिया में, इसका कोलेब्रेशन एफसी के साथ, एफसी का इसका ऑटोमोबाइल जीप के बारे में बताना चाहूँगा। जीप जो है 1941 से है, जो इसकी फर्स्ट कार मिली आती है ओरिजिनल जीप से चला जाता था। उस टाइम में जीप फिल्म इतनी पॉपुलर हुई थी कि उसकी इतनी डिमांड थी, उसकी काफ़ी कॉपीज हुई, जैसे काफ़ी गाड़ियाँ या जैसे इंडिया में देखी हुई थी टॉप मॉडल से लेकर जो उसका स्पोर्ट्स प्लस मॉडल है, सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड है, 50+ सेफ्टी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड फीचर्स। इसमें सर अगर बेसिक मॉडल की बात करते हो, उसके अंदर हैलोजन ग्लव दिया हुआ है सर। जी सर, तो इसकी विजिबिलिटी को काफ़ी क्लियर आता है, जब आप रात में ड्राइव डिवीजन बहुत अच्छा क्लियर आता है सर। और इससे ऊपर वाले मॉडल में फिर इसके अंदर हैलोजन प्रोजेक्टर का यूज किया है, डी काफ़ी अच्छा सर। सर इसमें आप ये डी एल है सर, डे लाइट ओपनिंग है सर। इसका बेनिफिट ये हो जाता है कि सर जैसे दिन में भी आपका ड्राइव कर रहे हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे आपको बताया 50+ सेफ्टी फीचर्स कैंडिडेट है सर। सर सेफ्टी के मामले में कंपनी ने कोई कट ऑफ नहीं किया सर? कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी में क्वालिटी में आपने, जैसे आपने इसको ब्लैक में मुझे बताया। हाँ जी सर, सर इसकी पेंट की बात भी करते हैं, इससे स्लेब पेंट भी इसका यूज़ किया जी सर। उसमें आप देखते हैं मारुति अदर सर, उनमें इंटीरियर से टेफ्लोन वगैरह करवाना पड़ता है कि जब ना लें सर, बट इस कार में ऐसा नहीं होगा कि लॉन्ग लाइफ इसकी जो पेंट की क्वालिटी है बहुत अच्छी होगी। बात है सर, दोस्तों यहाँ पे मैं जीप की ब्रांडिंग की लोगो दिखता है और काफ़ी शानदार लग रहे हैं जीप के मामले, क्रोम की फिनिशिंग है इसके ऊपर। और सर ग्रिल के बारे में सर कुछ बताया सर, काफ़ी अच्छी लग रही है। सेवन स्लॉट ग्रिल है, ये जीप का एक डीएनए है। हमारे ऑल वेरिएंट्स में आपको देखने को मिलेगा, लाइक जीप ग्रैंड चेरोकी है, रेंगलर है, ये जीप का डीएनए है। जीप की इसकी जो थिंकिंग है, सेवन डायरेक्शन है, सेवन रेनबोज है, तो डिफरेंट इसके चार पिलर्स हैं, जैसे ऑथेंसिटी, फ्रीडम, एडवेंचर्स और पैशन, के चार पिलर्स हैं। काफ़ी अच्छा सर, काफ़ी अच्छा लुक इसका एनहांस हो जा रहा है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको बॉडी का वाइट होते हैं सर, काफ़ी अच्छा सर। ये यहाँ एक्सीडेंट सर कोई स्क्रैच सर उससे बताएगा सर, बॉडी का बिल्कुल ना सर, डबल डोर बंपर दिया गया सर। ये देखो ये कार जो है ऑन रोड ऑफ रोड की डिपेंडेंस है, इसके अंदर जो डिज़ाइन किया गया है साइड ट्रेडिंग जो है डबल डोर में है,
तो ट्रैपेटोल व्हील आर्च इसके ऊपर साइड से भी दिखाऊंगा। फ्रंट में भी अगर बम्पर देखते हैं डबल टोन पे दिया, जैसे आप ऑफ रोड पे जाते हैं तो आपकी कार को भी प्रोटेक्ट करते हैं, कार के पेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे ऑफ रोड पे जाते हैं तो बम्पिंग रोड पे जो डस्ट है या पत्थर वगैरह आते हैं तो आपके कार को प्रोटेक्ट करता है। सर काफ़ी अच्छा। सर साइड की बात करें तो सर टैग के बारे में सर कुछ डिटेल दे सकते हो, हमारी भी जो देख रहे हैं सर नॉलेज हो सर टैग के बारे में। सर तो इसमें टायर कौन सी कंपनी का है? सर इसके अंदर 5 स्टोन का टायर स्टोर किया जो 20 स्टोन का है। सर ये ऑल सीजन टायर होता है इसका। ऑल सीजन टायर क्या होता है कि किसी कंडीशन में भी, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये ऑन रोड ऑफ रोड की कैपेबिलिटीज है, इसको बहुत अच्छी क्वालिटी का 6 इंच टायर इसमें यूज किया है। तो इसमें हमें अलॉय व्हील मिलता है स्टैंडर्ड मॉडल है, बेसिक मॉडल से आपको 6 इंच अलॉय व्हील। सर मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ सर, जो कंपनी होती है सर वो किस किस टायर की ब्रांड सर कोलैब होती है सर मेरे साथ? जैसे कौन आपकी जो जीप कंपास है वो कौन कौन सी कार में सर कौन कौन सी ब्रांड में सर हमें टायर प्रोवाइड करते हैं? इस पर 5 स्टोन का टायर यूज़ किया गया सर इसमें इंडिया में, बट ये है कि इसमें आप 30 राइट साइड ड्राइविंग यही सेम गाड़ी राइट साइड ड्राइविंग जो जितनी भी 30 कंट्रीज में है तो वहाँ यहाँ से बन के राइट साइड जितनी भी है 30 कंट्रीज में ला रहे हैं तो सेम टू सेम यही 5 स्टोन का टायर जो है कि सर एक ही कंपनी की कंपनी साथ से टायर स्टोर आना हो 20 स्टोन का, जिससे ऊपर वाले मॉडल में आपको 20 स्टोन का उसी का ये 5 स्टोन टायर के बारे में काफ़ी अच्छी डिटेल दी हमें। और बात करें सर साइड के प्रोफाइल के बारे में कुछ बताएं सर हमें डिटेल जो भी देख रहे हैं सर। सर हम साइड की डिटेल्स का अगर हम बताता हूँ अगर हम इसके बारे में की बात करते हैं सर, इसके टर्न इंडिकेटर विद टर्न और डिटेक्टेबल ORVM दिया हुआ है, इसमें विद टर्न इंडिकेटर है कि आपकी कार की जैसे मैंने बताया सेफ्टी का पूरा ध्यान रखें। सेफ्टी के लिए साइड टर्न इंडिकेटर अगर हम राइट और लेफ्ट मूव करते हैं गाड़ी सर तो सामने से आने वाली गाड़ी में भी आइडिया लग जाता है कि आपकी गाड़ी राइट जा रही है लेफ्ट जा रही है, उससे आप और आपकी कार सेफ है। इसमें से अगर हम बात करते हैं डी रिंग 260 डिग्री में इसमें DLO दिया है, पूरा क्रोम का यूज़ करा हुआ है। सर ये सर है ना जी कार को एक प्रीमियम लुक देता है सर जी, काफी लग्जरी फील हो रहा है सर इसको देख के। सर इसको हम टच कर रहे हैं जब भी काफी हमें सॉलिड और एक लग्जरी फील कार का एहसास। बिल्कुल सर जैसे मैंने सेफ्टी का आपको बताया इस कार के अंदर 50+ सेफ्टी। अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट क्लास डोर्स में भी लेजर वेल्डिंग का यूज किया है। लेजर वेल्डिंग लाइक सर जैसे ये हो गया स्पोर्ट हो गया बाइक लेजर हो गया सर, कोई मेजर से मेजर इम्पैक्ट भी होता है तो भी इम्पैक्ट को अंदर नहीं आने देगा बाहर की बाहर निकलेगा। अगर हम इसकी कार साइड डोर्स की बात करते हैं सर साइड इम्पैक्ट ड्यूल रोड के लिए मेजर से मेजर इम्पैक्ट कोई अंदर नहीं आता कि मीन्स आप और आपकी फैमिली इसके अंदर सेफ है। अगर आप इसकी बिल्ड क्वालिटी देखते हैं तो इसको ओपन कर देंगे सर विड्थ भी ज़्यादा है सर ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी थोड़ी और साइड प्रोफाइल जानते हैं कि अंदर का इंटर अभी देख लोगे तो आप वीडियो का भी कट कर दोगे, वीडियो पूरी देखनी है आपने और अमित इतने अच्छे से हमें डिटेल दें कार के बारे में। तो नीचे की बात कंपास लिखा हुआ दिखाई दे रहा काफ़ी प्रीमियस फील हो रहा है। और सर पीछे की तरफ चलेंगे सर पीछे की तरफ प्रोफाइल की सर बात करें सर हमें पीछे की तरफ हमें क्या देखने को मिलता है सर? अगर हम बात करते हैं देखिए स्टैंडर्ड फीचर हाँ जी सर इसके अंदर स्पॉइलर स्टैंडर्ड दे डाउनफोर्स बना हुआ, जैसे 100 से अब जाते हैं 1000 से जाते हैं तो कई कार्स में देखते हैं कि स्पॉइलर यूज़ नहीं होता, बट इसके हमारे बेसिक मॉडल्स के अंदर स्पॉइलर यूज के लिए डाउनफोर्स बनाता है और कार की जो एयर जब हाई स्पीड में कार चलती है तो सामने से एयर आती है उसकी एयर को कटिंग करता है, उससे कई गाड़ी आपकी एकदम रोड के चक्कर के चलती है और माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। हाई टेल लैंप दिया हुआ है आपकी कार की सेफ्टी के लिए रात के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सर हम इसके रियर व्यू की बात करें काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसका एक्सट्री व्यू लुक एनहांस करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट ग्राउंड क्लियरेंस का सर इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है सर लॉटेड है जो 176 है और विदाउट पैसेंजर्स की जो अनलोडेड है 205 है जो इस सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्राउंड की बहुत अच्छी सर की ऑन रोड और ऑफ रोड भी हम इसको ड्राइव कर सकते हो। अगर हम इसकी बात करते हैं रियर में तो हाई टेन लेफ्ट टर्न उसके रियर विजिबिलिटी के लिए और आपकी कार की सेफ्टी के लिए और ये एक्सटेंडेड फीचर है स्पॉइलर। स्पॉइलर क्या होता है एक डाउन फोर्स बनाता है, जैसे अगर आप हाई स्पीड पर चल रहे हैं तो एयर पर कटिंग करता है उससे भी आपकी कार का ग्रिप अच्छी आती है और एयर पर कटिंग करेगी माइलेज अच्छी मिलेगी। और डीफोगर विद वाइपर का इसमें एक्सटेंडेड फीचर है कि बेसिक मॉडल से ही आपको स्टार्ट है सर जी। इसमें इलेक्ट्रिकल लाइन है, फॉगी सीजन में जो पीछे का विजिबिलिटी है वो एकदम क्लियर आएगा और फॉगी सीजन में फोटो तो इसमें सर पार्किंग कैमरा मिले सर रियर पार्किंग कैमरा सर इससे ऊपर वाले मॉडल में सेंसर का यूज़ किया जाए वो भी काफ़ी अच्छा सर सेफ्टी का मामला। सर इसका बूट स्पेस के बारे में कुछ बताएं सर? 438 लीटर का इसका बूट स्पेस दिया गया है सर इसके अंदर काफ़ी बड़ा है जी।
और जो इसको इसकी जो सीट है 60-40 का यूज किया स्पीड है सर वो जी नहीं स्पीड नहीं है 60-40 अकॉर्डिंग टू लगेज आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं और अगर आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है और लगेज कर तो आप इसको पूरा फ्लैट बैच सर हम इसके स्पेयर व्हील टायर की बात करते हैं यहाँ पे इसके अंदर मिलता है सर हमें इसके अंदर यूज किया देते हैं अगर आप कार्स कई कार्स में देखते हैं उसमें जो टायर्स का यूज किया नीचे की तरफ यूज ऐसे भी होते सर जी बट इस कार के अंदर जो यूज किया गया है सर ये भी सर हमेशा जो चार टायर मिलते हैं सर कंपनी दोस्तों वही सेम साइज मिला है सर ये भी सर सेम साइज है सर इस मॉडल ओके सर और अगर हम इसके बूट के ट्रैक्टर इसका जो अगर हम इसकी बात करते हैं सर ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया रिवर्सिबल बूट बेस है अगर सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा लगेज है जिसमें मटेरियल या मिट्टी वगैरह काफ़ी लगी है तो आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं ओ सर काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सर जो कि अपने लगेज है उसको आप इजीली यहाँ पे रख सकते हो कोई डिफिकल्टी हमें महसूस नहीं होगी कार के अंदर और नाइट विजन के लिए सर इसमें जो लैम्प यूज किया ड्यूल लैम्प यूज किया राइट और लेफ्ट में दोनों लाइट भी है यहाँ पे रात के लिए काफ़ी बेनिफिशियल अगर आप कोई आपका कोई आप लगेज यहाँ पे रख रहे हो आपको पता चल जाएगा मेरा लगेज कहाँ पे रखा है और आप क्या क्या सामान है सर यहाँ पे दोनों से ड्यूल हमें वो लाइट मिलती है इसके अंदर वो एक बेस वेरियंट है एक एसयूवी का प्रीमियर लग्जरी एसयूवी सर ये दोस्तों जानेंगे अंदर से कार कैसी दिखती है भैया अमित भैया के द्वारा और सारी डिटेल लेंगे भैया चलिए अंदर चलते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं कार के अंदर जानेंगे भैया से गाड़ी का लुक कैसे दिखता है और गाड़ी की ए टू जेड डिटेल अंदर से और बात करें यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल रहे हैं काफी अच्छा है और फिटनेस फील हो रहा है सर बताएंगे अपनी सारी डिटेल सर कार को अगर ऑन करके दिखाएं सर कैसा लुक आता है सर कार का तो कार सर ने ऑन कर ली है हमने म्यूजिक सिस्टम ऑफ कर दिया क्योंकि साउंड की आती है दिक्कत फिर वो कॉपी एट मार देते हैं तो सर अंदर ही सारी डिटेल सर हमें प्रोवाइड करें सर अगर हम इस कार के इंटीरियर के फीचर्स की बात करता हूँ जैसे फर्स्ट इन क्लास जैसे मैंने आपको इंटीरियर बताया सिंगल टोन स्पोर्ट्स प्लस मॉडल है इसका ये और बेसिक मॉडल के अंदर ही आपको स्पोर्ट्स प्लस में सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है अगर हम इसके स्टेयरिंग की बात करते हैं तो स्टेयरिंग टिल्ट है टेलीस्कोपिक है अकॉर्डिंग टू आप इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं कम्फर्ट के अकॉर्डिंग स्टेयरिंग टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी है स्टैंडर्ड एक ये स्टैंडर्ड फीचर है इस कार के अंदर अगर हम बात करते हैं अपने कम्फर्ट एंड कन्वीनियंट के लिए इस कार के अंदर जो स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल दे रखे हैं फ्रंट अदर्स कार्स में जब होता है फ्रंट में होता है बट इसमें स्टीयरिंग कंट्रोल आपके फिंगर्स में दिया हुआ है नीचे की साइड में वो आपकी कार की विजिबिलिटी और सेफ्टी के लिए दिया गया है जैसे मैंने आपको बताया कार में सेफ्टी का बहुत ध्यान दिया गया है इसमें स्टीयरिंग का है जब जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं चलाते टाइम आपका ध्यान फ्रंट में ना जाए तो आप फिंगर से आप इसको यूज कर सकते हैं नीचे की तरफ यूज किया है वॉल्यूम इंक्रीज का जो दिया राइट साइड है लेफ्ट साइड में जो है स्टेशन वगैरह चेंज का ये म्यूट्स का ऑप्शन स्टीयरिंग के नीचे यूज किया गया है और फोन उठाने का या ब्लूटूथ कनेक्टिविटीज का भी एक स्टैंडर्ड फीचर दिया हुआ है इसके अंदर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हाइट एडजस्टेबल सीट फ्रंट आर्म रेस्ट रियर आर्म रेस्ट और अगर हम फ्रंट डैशबोर्ड की बात करते हैं प्रीमियम लुक के लिए काफी सॉफ्ट टच है सर आप ये देखिए डोर्स में भी सॉफ्ट है ये फर्स्ट इन क्लास है मैकेले लेदर का यूज करता है जीप के अंदर जो काफी रिच क्वालिटी का होता है प्रीमियम है सर आप ड्रेस में भी आप देखेंगे लेदर का यूज किया गया है अंदर और फ्रंट ऑल पावर विंडो ऑटो टच है फ्रंट पावर विंडो ऑटो टच है एडजस्टेबल मिरर का यूज किया गया है इसके अंदर अगर हेडलैम्प भी आप देते हैं जैसे यहाँ पे अदर से यहाँ पे इसमें यूज दिया हुआ है और इसके अंदर जो अब जो BS6 कार आई है उसके अंदर इंजन स्टार्ट स्टॉप BS6 जो कार्स है इंजन स्टार्ट स्टॉप का फीचर उसके अंदर स्टैंडर्ड दे गया है हमारे बेसिक मॉडल से टॉप मॉडल में ये फीचर भी आपको स्टैंडर्ड मिलेगा कि जैसे अगर इसका बेनिफिट आपको ही मिलेगा जैसे आप कहीं रेड लाइट वगैरह पे या ट्रैफिक वगैरह में आपकी कार ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम पे जैसे ही आप क्लच पे या पैर रखेंगे इंजन 2 सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगा और जैसे ही आप क्लच पे पैर रखेंगे इंजन ऑन हो जाएगा तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि सर आपकी कार की माइलेज काफी अच्छी मिलेगी आपको 7 इंच का टच स्क्रीन यूज किया है एंड्रॉइड एप्पल और एप्पल कार प्ले का और हम बात करते हैं सर इसका फ्रंट में जो एसी यूज किया है ऑटोमेटिक एसी है बट ड्यूल जोन में है इसमें पूरा क्लाइमेट में जो जैसे आपको स्क्रीन में भी आप यूज करते हैं इसे क्लाइमेट का आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ से ऑन किया हमने आप जैसे अकॉर्डिंग टू आप अपने एडजस्ट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में जैसे मुझे अगर कोई ऐसे आपको लग रहा है कि मुझे कोल्ड और मैं एयर का फ्लो कम जाता हूँ या लेफ्ट साइड में टेम्परेचर कम जाता हूँ तो आप यहाँ कम कर सकते हैं और राइट में आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं टच पैनल में भी यूज किया गया और यूज बटन्स वगैरह का भी उसमें यूज किया गया और इसमें सेफ्टी का जैसे काफी ध्यान दिया गया है इसके अंदर फ्रंट में 2 एयरबैग ABS EBD ऑल डिस्क ब्रेक ट्रैक्शन कंट्रोल इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक एंटी रोल मिट ये स्टैंडर्ड फीचर्स है कार के अंदर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है और उसमें अगर हम बात करते हैं
एसी पैनल है सर जी, एसी पैनल है जो उसमें टच का भी है और बटन्स वगैरह का भी यूज किया। और अगर आप अकेले ड्राइव कर रहे हैं, इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया है कि आप अपनी कार के एयरबैग को अकेले ड्राइव कर रहे हैं उस टाइम में एयरबैग को ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। और पार्किंग सेंसर का अगर स्क्रीन ऑफ करना चाहते हैं, स्क्रीन ऑफ भी कर सकते हैं सर। तो काफी ऑप्शन है, मैनुअल आप यहां से कर सकते हैं और टच में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। सर मिरर के बारे में सर कुछ बता, सर ये ऑटोमेटिक है सर? ऑटोनिंग मैनुअल डिमिंग है, इससे ऊपर वाले मॉडल्स में फिर ऑटो डिमिंग भी मिल जाएगा जी सर। यहाँ पे सर हमें सर लाइट प्रोवाइड करती है सर कंपनी, है ना सर जी? सर ये एलईडी का सर नॉर्मल है सर? ये एलईडी का यूज किया जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है सर, जैसे क्वालिटी का और सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा। यहाँ पे आपको मिरर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको इसको वेंटी मिरर यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और सर ड्राइवर साइड भी सर हमें साइड दिखाई देंगे ना सर जी? ड्राइवर साइड को ड्राइवर दोनों तरफ है सर जी। सर अब यहाँ पे सर आर्मरेस्ट की बात कर सर, फ्रंट आर्मरेस्ट का भी यूज किया गया, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी इस कार के अंदर बेसिक मॉडल थे फ्रंट आर्मरेस्ट और रियर आर्मरेस्ट का भी यूज किया गया, जैसे आप देख सकते हैं स्लाइडिंग है ना सर, विद स्लाइडिंग है जी। सर जिनकी हाइट कम है वो अपने इसको हाइट के हिसाब से वो कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप कहीं एक्सपोज ऐसे जाते हैं तो आज एक हमें एक नीड ही हो गया कि हम हैंड अपना यहाँ रखते हैं अपने कम्फर्ट के लिए, तो इससे आपकी ड्राइव भी बहुत ईजी रहती है और कम्फर्ट फील करेंगे आप। हाँ जी सर। तो भैया हम आ चुके हैं पीछे की तरफ कार के अंदर, बैक साइड के अंदर जहाँ पे अपनी मेनली फैमिली सर पीछे ही बैठती है सर, है ना सर? देखते हैं सर पीछे की तरफ, सर कुछ बताया सर हमें सर कार के बारे में सर पीछे की तरफ। तो पीछे से अगर आप देखते हैं सर, काफी शोल्डर रूम, लेग रूम सर, हेडरूम, बहुत स्पेस है सर। पीछे पैसेंजर के लिए काफी स्पेस दिया गया कि तीन लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। रियर में इसमें एसी वेंट भी दिया सर, और इसमें सॉकेट दिया हुआ कि आप मोबाइल आपका लैपटॉप चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। और इसमें रीडिंग लैंप यूज किया हुआ है, राइट और लेफ्ट सेपरेट दिया हुआ है, राइट के लिए यूज किया है, लेफ्ट के लिए अलग यूज किया हुआ है सर। नाइट विजन के लिए कोई मैगजीन वगैरह आप कुछ अगर यूज कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो राइट और लेफ्ट पे आप अपने अकॉर्डिंग दिया। बट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेग रूम, हेड रूम काफी स्पेस है, काफी है सर, काफी ज्यादा सर। मेरी हाइट की समझ में ये 864 का स्पेस दिया हुआ है सर। सर इसके बारे में कुछ बताया सर ये? सर देखिए इसका जो आर्मरेस्ट है काफी लार्ज है, काफी बड़ा है, दो लोग आप बैठे हैं तो आराम से आप अपना हैंड वगैरह यूज कर सकते हैं, और विद कप होल्डर है कि आप दो कप या बॉटल्स का इसमें यूज कर सकते हैं इजीली, और काफी कंफर्टेबली आप देख रहे हैं स्पेस है और काफी बड़ा है ये कि दो लोग आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं। दोस्तों आपने कार देख ली अंदर से और बाहर से अमित भैया के द्वारा, सारी ए टू जेड हमें परफेक्ट डिटेल दी है कार के बारे में। अब भैया से जानेंगे कुछ, इनसे कुछ बातें करेंगे, इनका नाम और इनका फोन नंबर और इनके शोरूम की ए टू जेड डिटेल। तो चलिए बाहर मिलते हैं भैया से। बारे में ए टू जेड डिटेल अमित भैया के द्वारा काफी अच्छी तरह से हमें डिटेल दी है गाड़ी के बारे में। जीप कंपास का जो स्पोर्ट मॉडल जो बेस वेरिएंट है उसके बारे में हमें काफी अच्छी तरह से हमें डिटेल प्रोवाइड की दी है। तो अमित भैया से जानेंगे इनकी डिटेल ए टू जेड, इनका नाम, फोन नंबर, शोरूम के बारे में, आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं शोरूम के अंदर। और काफी हम्बल इंसान है और स्टाफ वो भी काफी अच्छा है। अमित भैया से मिलते हैं। सर सर अपने बारे में सर दोबारा बताएं सर। माय नेम इज अमित जरेल, माय मोबाइल नंबर 9999118684। आप अगर आपकी कोई इंक्वायरीज हो जीप कंपास के लिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको अपने शोरूम के बारे में बताना चाहूँगा। तो हमारा जो जीप का शोरूम है दिल्ली रोड पे है, विद्युत नगर गेट नंबर के अपोजिट में है। आप इजीली इसमें आ सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इसमें आपको मैंने बता दिया है। अगर जीप कंपास की कोई इंक्वायरीज हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपको स्पोर्ट्स प्लस मॉडल के बारे में दी है, इसके बारे में या इससे और मॉडल के बारे में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर, काफी अच्छे सर आपने डिटेल दिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सके शेयर कर दो।